वहीं बुधवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी आज विधानसभा का घेराव कर रही है और विधायकों को पुलिस द्वारा रोके जाने की बात पर सदन में हंगामा हुआ। इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में बहस हो गई। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों को विधानसभा आने से रोका जा रहा है। बसपा विधायक इंदु बंजारे और विधायक धर्मजीत सिंह ने भी पुलिस द्वारा रोके जाने की शिकायत की। गृहमंत्री ने कहा कि किसी को भी नहीं रोका जा रहा। इस बात पर बीजेपी विधायक रंजना साहू और कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू के बीच तीखी बहस हो गई। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि किसी विधायक को रोके जाने की बात सही नहीं है। हंगामा बढ़ता गया तो विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने सीट से उठकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से कहा कि अधिकारियों से कहिए कि विधायकों को न रोका जाए। किसी विधायक को विधानसभा आने से रोका नहीं जा सकता। आपका लगा है ना, बाद में आ जाएगा ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे रास्ता को बंद कर दिए गए हैं। मैं 10:30 बजे निकला था, 20 किलोमीटर घूम के आ रहा हूँ। कोई पुलिस वाले बताने वाले नहीं है किधर से विधानसभा जाना है। जगह जगह में रोक के बदतमीजी कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष। विधायक सदन आ रहा है, उसको अगर रोक रहे हैं तो आम जनता की क्या हालत है? सब समाचार पत्रों में छपा है कि विधानसभा रोड सभी रोड खुला है। गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। और जिस प्रकार से सरकार जवाब आ जाने दीजिए और इनके पुलिस के द्वारा नेताजी मेरा जवाब आ भद्रता मेरा जवाब आ रहा है उसके बाद की जा रही है। अरे विधायक जी को सुनिश्चित करना चाहिए। गृह मंत्री जी गायब है, विधायक मंत्री जी बैठे हैं सत्र में। गृह मंत्री जी को विधायक आप नहीं रोक सकते। आप ये प्रिविलेज है उनका विधानसभा विशेषज्ञ मामला है। जनता को पानी दे देंगे। बैरिकेड्स हटा हुआ रायपुर बिलासपुर रोड से जहाँ रोका जा रहा है विधायकों को अलाउ करवावा। अध्यक्ष जी मैं भी 15 किलोमीटर घूम के आई हूँ। घर से तो घूम के आ जाएंगे जी जहाँ आना है। सरकार ने इतना बड़ा बड़ा अखबार में दिया है करके आना चाहिए था ना। वो सौरभ सिंह क्या क्या पढ़ा रहे हैं मालूम है। पहली बात तो ये अध्यक्ष जी, लोगों की इकट्ठा नहीं होने का अब बहाना ये उचित नहीं है। हम तो सिर्फ विधायकों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सबको रोक दो। किसी को नहीं रोका जा रहा है। माननीय रोका गया, इनको रोका गया। माननीय विधायकों को आने से किसी को नहीं रोका जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वीडियो भी बता दूंगा, रोका गया है। तीन तीन जगह रोका गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार नहीं है, विधानसभा तो आपका अध्यक्ष। विधानसभा का घेराव हो रहा है, प्रशासन की तैयारी माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक को रोकेंगे। वो विधायक को नहीं रोका गया। रोका गया है आपके पुलिस के द्वारा। ये क्या वो पुलिस बताएंगे कि हमें समय से पहले आने चाहिए, समय के बाद आना चाहिए? अगर ऐसा था माननीय अध्यक्ष, ये पुलिस अधिकारी हमको ये घोषित कर रहा है कि हम समय से पहले आने के लिए पहले से यहाँ जाए, ये कितनी शर्म की बात है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माने हम लोग झूठ बोल रहे हैं। आप रोका क्या? आप अपने अधिकारी से पूछ लीजिए। आप अपने अध्यक्ष से पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष, हम कोशिश कर रहे हैं, आप तो जिंदा भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इधर आ जाओ। उधर कोई मत कहीं कोई रोका नहीं जा रहा, बल्कि आप लोगों के पानी की व्यवस्था के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं गृह मंत्री जी।
आप स्वयं चेक करवा लीजिए किसी को भेज करके, रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय अध्यक्ष महोदय कहाँ रोकेंगे 14 को, 71 लोग को नहीं रोका गया, अगर पुलिस इसका मतलब पुलिस नहीं रोक रही है, केवल बहाना सब्जी भाजी वाला आ रहा है यहाँ पर, शिवरतन जी आपको नहीं आने को, ये जेल मिटाने की नाल लगा हुआ था, एक आदमी नहीं था माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये जेल मिटाने की प्रक्रिया चल रही है। चलिए अब इस बात को समाप्त करिए, 15 विधायक, 15 बोले जी बैठे, डॉक्टर बैठिए ओ डॉक्टर आप बैठो, डॉक्टर बैठ जाओ, सुनिए माननीय, हमने अपनी पीड़ा आपके सामने रखी है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप स्वयं चेक करा ली, ये माननीय गृह मंत्री जी गलत जानकारी दे रहे हैं सदन में, और सत्ता पक्ष के विधायक जानबूझ करके विधायक ना पाए इसके लिए वो उल्लंघन कर रहे हैं, आप स्वयं चेक करवा लीजिए ना। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बोल चुका हूँ, माननीय गृह मंत्री जी अभी आए हैं, उनसे एक गृह मंत्री आ गए हैं, गृह मंत्री जी को निर्देशित करें, मैं क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री जी को पुनः निर्देशित करता हूँ, सुन लीजिए बैठिए प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी केवल संदिग्ध रोगों को रोक रहे हैं, सदस्यों को कहीं नहीं रोका जा रहा है, प्लीज प्लीज, एक मंत्री ये कहे कि संदिग्ध लोगों को रोका जा रहा है, माने हम विधायक लोग संदिग्ध हैं, इससे समझना की स्थिति क्या होता है, विधायकों को नहीं रोका जा रहा, संदिग्ध लोगों को रोका जा रहा है, नहीं आप संदिग्ध हो क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं आप संदिग्ध हो क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संदिग्ध नहीं हो सकते, बोले जी आप भेज रहे प्लीज, बोले जी धर्म जी आए, धर्म जी से पूछो भैया आप, चलिए बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए, माननीय गृह मंत्री जी, आप जरा अपने अधिकारियों से जानकारी ले लें, किसी भी तरह से किसी भी विधायक को विधानसभा में अपने कर्तव्य पालन के लिए आने से रोका नहीं जा सकता, अध्यक्ष जी आप उनको निर्देशित कर दीजिए, ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, अध्यक्ष जी